बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां दीपक बैज ने बृजमोहन अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पर हार दिख रही है, हार के डर से जनता और प्रशासन को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, डराने और धमकाने का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बृजमोहन अग्रवाल को पहली बार उनके चेहरे पे साफ साफ हार झलक रही है, हार से डरे हुए हैं, इस तरह से हरकत वो कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि तमाम केंद्र के नेता से लेकर प्रदेश के नेता तक भारतीय जनता पार्टी के, कभी तो छत्तीसगढ़ की जनता को डराने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को डराने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ डरा और धमका के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डराने और धमकाने का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता 17 तारीख को इसको जवाब, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में डराने और धमकाने का कोई स्थान नहीं है। और बृजमोहन अग्रवाल इस समय रायपुर दक्षिण से चुनाव हार रहे हैं।